चैनल में मैं आज बनाने जा रही हूँ एक अलग तरह का चावल जो कि चिकन के साथ में बना रही हूँ। मैं आपने तो बहुत तरह का बिरयानी, चावल, यखनी पुलाव सब बनाया होगा, मैं कुछ नया बना रही हूँ। देखिए आप ट्राई करके इसे कि ये कैसा बना है। चलिए मैं शुरू करती हूँ इसे बनाना और वीडियो को स्किप ना करना आप। इसमें मैंने क्या क्या डाला है आप देखना, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप अच्छे से बना सके, और बना करके मुझे जरूर से रिव्यू देना कि ये कैसा बना है। इसमें मैंने लिया है 4 कप बासमती चावल, ये अच्छी पुरानी चावल है। इसे अच्छी तरह से धो करके आप 1 घंटे के लिए भिगा दें, भिगाना बहुत जरूरी है। अब मैं इसमें ले रही हूँ 1 kg चिकन जो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप दही। अभी इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट। मसाले में मैंने लिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और ये हल्दी। सारे को इसमें मैं डाल दूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी नमक। गरम मसाले में मैंने लिया है 2 दालचीनी, जावेत्री, 5-6 इलायची और लौंग। आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से आप मिला लें, 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए इसे डाल दें। अब हम लोग इसमें लिए हैं 5 आलू जिसे मैंने हल्दी देकर के नमक देके उबाल लिया है। अब हम लोग लेते हैं एक पैन जिसमें हम अपने हिसाब से तेल डाल लेंगे। मैंने 1 कप का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1.5 प्याज, 1.5 प्याज है। इसे मैं अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। जब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई ना हो जाए, गोल्डन फ्राई ना हो जाए, तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। देखिए ये लगभग हमारा फ्राई हो गया है, ये और भी फ्राई होगा। अब हमारा फ्राई हो गया है यहाँ पे प्याज बहुत अच्छी तरह से, इसे निकाल लेते हैं हम। ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हुआ है, देखिए काफी खूबसूरत फ्राई हुआ है, काफी बार जल जाता है। अब हम इसमें सवाल कर रही हूँ दालचीनी, 1 जावित्री का फूल, इसमें 4-5 मैंने इलायची लिए हैं, लौंग लिए हैं, कबाब चीनी है, ये शाही जीरा है। सारे को मैं इसमें डाल दूंगी, सारे मसाले को। जब तक ये क्रैक ना हो तब तक मैं इसमें भूनूंगी। मसालों को इसमें मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज, ये भी मैंने 1.5 प्याज लिया है। उस वक्त भी मैंने 1.5 प्याज लिया था, अभी भी 1.5 प्याज पूरी में इसमें 3 प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, कच्चे प्याज का। इसे हल्के से फ्राई करूँगी, गोल्डन नहीं होने देना है इसे। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1-1 करके चिकन, 1-1 करके हम इसमें चिकन सारे डाल देते हैं। ये बचे हुए जो मसाले हैं ये मैं बाद में ऐड करूंगी, नहीं तो इसमें पानी आ जाएगा। चिकन को हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। मसाले तो हम लोगों ने पहले ही ऐड कर दिया था सारा, ये बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है इसमें। बहुत अच्छी तरह से इसे हमें भूनना है जब तक ये अच्छे से कलर ना आ जाए और चिकन भुन ना जाए। देखिए हमारा चिकन कितना अच्छे तरह से भुन गया है, ये 5 से 10 मिनट तक मैंने भुना है इसे। अब बाकी के मसाले मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ जो मैंने मैरिनेशन किया था। इसे अच्छी तरह से चला लेंगे हम, इसे भी मैं 2 मिनट तक भून लूंगी। देखिए ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलू। आलू को हम लोगों ने पहले ही हल्दी, नमक, अब कलर भी दे करके उबाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सारे मसाले कोट हो जाएं इसके ऊपर। देखिए तेल ऊपर आ गया है पूरा हमारा भुन करके चिकन। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ बरिस्ता, अभी ऐड कर देंगे, कुछ बरिस्ते रहने देंगे हम, चावल जब हमारा कंप्लीट होगा तब ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च,
धनिया पत्ती, ये है केवड़ा वाटर, ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है कोई दिक्कत नहीं है। इसे मिला लें, अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। देखिए हमारे चावल कितने अच्छे तरीके से भीग गई है। चावल को इसमें भिगाना बहुत ज़रूरी है, चावल जितना भीगता है उतना अच्छा खिल करके बाहर आता है, बहुत अच्छी तरह से ये चावल पकता है। फिर अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप गुनगुने पानी में आधे घंटे के लिए भी भिगा लें, लेकिन चावल को भिगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम पानी। इसमें पानी की भी क्वांटिटी को बहुत ध्यान में रख करके आपको डालना है, चावल से बस आपके हाफ इंच ऊपर आनी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा चावल गीला हो जाएगा। ध्यान रहे कि हमारा चिकन भी पक ही गया है लगभग और आलू भी पक उबला हुआ है, इसलिए पानी की क्वांटिटी आप हिसाब से डालें। अब हम इसे 10 मिनट के लिए उबाल आने के लिए छोड़ते हैं, बाकी का हम दम में बनाएंगे। ये देखिए हमारा चावल कितना खिला खिला सा बना है, देखिए बहुत लंबा लंबा सा चावल हुआ है। देखिए आप भी इस तरह से बनाइए, देखिए कितना प्यारा बना है, बहुत ही प्यारा बना है ये चावल, ये शाही चिकन चावल आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये मैंने सर्व कर दिया है, आप अपने घर में ट्राई कीजिए, अपने बच्चों के साथ में, फ्रेंड के साथ में इसे पार्टी में बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसे जल्दी से ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।